नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। चौबट्टा खाल में स्वरोजगार विकास गोष्ठी का हुआ आयोजन, 60 उद्यमियों को माटी पानी सम्मान से नवाजा। तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत बद्री डेयरी में स्वरोजगार विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बडोला फार्म, बद्री डेयरी, फील गुड ट्रस्ट व टैपिंग्स लाइव द्वारा विकासखंड एकेश्वर व पोखड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार पर कार्य करने वाले 60 उद्यमियों को माटी पानी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। स्वरोजगार विचार गोष्ठी के दौरान विकासखंड एकेश्वर व पोखड़ा के स्वरोजगारियों व काश्तकारों द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। स्वरोजगार विचार गोष्ठी में SDM चौबट्टा खाल संदीप कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी महेंद्र चौधरी, समाजसेवी कविंद्र इस्टवाल, सुंदर सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा प्रीति देवी, फील गुड के संस्थापक सुधीर सुंदरियाल, महाविद्यालय प्राचार्य DS नेगी, नरेश सुंदरियाल, अनुपंत, पूनम कैंतुरा, नूतन पंत, इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य अरुण थपलियाल सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। आज बद्री डेयरी के स्थापना दिवस पर यहाँ एक स्वरोजगार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जो स्वरोजगार से समृद्धि की ओर का विषय था। इसमें हमने माटी पानी सम्मान 2022 से लगभग 55 लोगों को सम्मानित किया है। यह सम्मान उन लोगों का था जो यहाँ माटी पानी से जुड़े हैं, जो यहाँ स्वरोजगार के प्रयासों में लगातार पिछले 5-7 सालों से लगे हुए हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं सविंदर सिंह रावत, ग्राम नरसिया, पोस्ट ऑफिस संगलाकोटी, जिला पौड़ी गढ़वा। सर, मैं गोबर पे काम कर रहा हूँ और इसमें अभी मेरा धूप का है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मूर्तियों का है, मोबाइल स्टैंड वगैरह है, पर अभी जो मेरा फोकस है दिवाली नज़दीक होने के कारण मेरे पास इस टाइम पे 52,000 करोड़ दियों का ऑर्डर है और मेरे साथ इस टाइम पे 8,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑर्डर को हम पूरा कर पाएं। क्षेत्र के जो सम्मानित हमारे काश्तकार हैं श्री सुंदरियाल जी, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जितने भी इस क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत से जो है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मशरूम उत्पादन है, उन सभी को उनकी जो काम है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एक सम्मान देने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है, इससे हमारे किसानों को न केवल मोटिवेशन मिलेगा, इसके अलावा वो और भी अधिक कार्य करने को प्रेरित होंगे। साथ ही साथ चूँकि इसमें अधिकारियों का भी प्रतिभाग होता है, तो हम लोग भी उनकी जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो पाते हैं, प्रयास करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझें, जो उचित मंच है वहां तक हम ले जाएं और उनका जो है त्वरित समाधान करें और उनकी सहायता करें। तो निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम इस दिशा में किसानों को जो हमारे सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो फील गुड और बद्री डेयरी, जिन दोनों संस्थाओं ने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, उसका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस पुरस्कार के लिए, इस उपहार के लायक समझा, तो इन दोनों संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। किस क्षेत्र में काम कर रही हैं आप इसका? जी, मैं स्वरोजगार के क्षेत्र में, जैसे मत्स्य के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में और साथ में ही मुर्गी पालन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ लगभग 4 सालों से। क्या संदेश देना चाहती हैं रिया जी? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ आज के नौजवानों को, नवयुवतियों को, कि जो भी 20-25 यहाँ तक कि 30 साल शहर के लिए भी बाहर शहरों की धूल फाँक रहे हैं, वो लोग वहाँ ना रह करके अपने घर में, अपने गांव में, अपने पहाड़ों में रहे, जिससे कि हमारे जो पूर्वजों की जमीन है, पूर्वजों की हाथी है, माटी है, हम उसको एक बार फिर से नए स्वरूप में ला सकें, यहीं पे स्वरोजगार करें, यहीं पे रहें, यहीं पे कमाएं, यहीं पे खाएं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।